नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधार। इस वक्त की बड़ी खबर, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी ने अफसरों के चर्चा के दौरान बड़ी बात कही है। जल्द पटरी पर दौड़ेगी सभी लंबी ट्रेनें। जी हां, कोयला सप्लाई के कारण दर्जनों ट्रेनें बंद है। यात्रियों के साथ रेलवे को भी करोड़ों का नुकसान हुआ है। आपको बता दें, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने दौरे के दौरान लोगों को राहत दी है। सभी ट्रेनों को जल्द पहले की तरह नियमित चलाया जाएगा, ऐसी बात कही है उन्होंने। वहीं बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि बंद सभी ट्रेनें 16 जुलाई को पटरी पर दौड़ेंगी। बोर्ड अध्यक्ष के इस निर्देश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। जी हाँ, आपको बता दें, यहाँ पे दूसरी बड़ी खबर राजीव भवन से आ रही है। जी हाँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राजीव भवन में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठक में शामिल होंगे। कुछ ही देर में बीआरओ के चुनाव को लेकर बैठक होगी। चुनाव अधिकारियों के साथ पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और अन्य पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बता दें, आगामी अन्य मुद्दों को लेकर यहां रणनीति बनेगी। आपको बता दें, आज सड़क सुरक्षा को लेकर भी बैठक की गई है, जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। वहीं प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसे के बाद राजधानी में भी कई सुधार की गई है, इसकी पहल की गई है। रायपुर में चिन्हित किया गया है 7 ब्लैक स्पॉट। जी हां, सुधार के लिए सड़क सुरक्षा समिति में भी चर्चा हुई है। शहर भर में 14 जगहों पर लगेंगे ऑटोमेटिक सिग्नल। जी हां, चौक चौराहों और सड़कों पर होगी मार्किंग। रिंग रोड की सर्विस, सड़क का चौड़ीकरण होगा। विद्युत खंभे हटाने के काम में भी लाई जाएगी तेजी। वही कोरोना अपडेट को लेकर आपको बता दें, कोरोना का कहर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक बार फिर बढ़ने लगा है कोरोना के मामले। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में आज 360 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। राजधानी रायपुर में 62 कोरोना मरीज मिले हैं। राजनांदगांव में 33 कोरोना मरीज मिले हैं। पूरे प्रदेश में 1678 कोरोना एक्टिव मरीज है। जी हां, बता दें आपको, प्रदेश में कोरोना का पॉजिटिव दर 3.09% है। जी हां, इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ राजीव भवन में बैठक चल रही है। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए न्यूज प्लस 21 से। आपके हक की बात।